कैसे है? बहुत अच्छा। दिखा रही देखते घर में सब क्या क्या करते हैं बारी में बैठ के। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल राना ममता व्लॉग। और आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ एक अनदर व्लॉग। तो गाइज़ आज जो है घर तरफ ये वाला मैंगो बेचने आया था और ये गाइज़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, क्योंकि ये जो मैंगो था ना वो पेड़ का टूटा हुआ मैंगो था, तो इसका जो टेस्ट था वो अलग ही लेवल था इसका। तो ये हम आज खा रहे हैं। और आज ना मम्मी गए हुए हैं अपने मायके और चंचल भी गई हुई है अपने मायके, तो घर पे फ़िलहाल मैं अभी अकेली हूँ। तो ये मौसी के घर से आया था भुट्टा, बिल्कुल फ्रेश है, आज ही तोड़ा गया है बगीचे से। तो ये मैं सोची अकेली हूँ तो अभी मैं क्या करूँ, कुछ खाना वगैरह सुबह ही बनाया था और मम्मी सुबह ही चले गए थे, तो फिर मैंने ये मक्के पर गाया और फिर उसके बाद हम और दीपांश खाए इसे। ऐसे तो अगर मम्मी रहते हैं तो कोयले की आग पे पकाते हैं, बट अभी मम्मी नहीं है और एक ही दो बनाना है, तो मैं ये यहाँ पे गैस पे ही सेक ले रही हूँ, क्योंकि फिर वो उसे जलाते फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसमें, फिर अगर ज़्यादा पकाना हो तो वो सही रहता है, बट एक दो के लिए फिर गैस में ही पका लेते हैं। और ऊपर से ये फ्रेश था तो इसका टेस्ट ऐसे भी बहुत ही सही था। और देख सकते हैं गाइस जो मेरा भुट्टा है वो बिल्कुल पक गया है, अब मैं इसे खाऊंगी और दीपांशु को दूंगी खाने के लिए। कैसे है? बहुत अच्छा। अच्छे से खाऊंगी। गरम नहीं है। और उसके बाद दीपांशु है वो परेशान कर रहा था कि मेरे साथ खेलो नहीं तो मैं चला जाऊँगा दीदी लोग के साथ खेलने के लिए, और वो लोग स्कूल गए हुए थे। तो फिर मैं इसके साथ आंगन में बैट बॉल खेल रही थी। देख सकते हैं ये मैं और दीपांशु दोनों खेल रहे हैं। ऐसे भी अकेले घर में समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कुछ भी करें, तो बस उसके साथ खेल रहे थे, कुछ कुछ कर रहे थे ऐसे ही टाइम पास। और गए उसके बाद हम लोग छत पे गए, छत पे से ये बाहर का जो ये है पीछे जो है आपको दिख रहा है पूरा बाउंड्री वो है जेल, यहाँ पे बहुत ही बड़ा जेल है, तो इसके पीछे ही हमारा घर है। तो ये है जेल और ये हमारा जो खेत है वो है, और ये देख सकते हैं पूरा हमारा छत। और गाइस उसके बाद दीदी लोग खेत में बैठे हुए थे और ऐसे ही दिखा रहे देखते घर में सब क्या क्या करते हैं बारी में बैठ के। फिर उसके बाद मैं भी वहीं चली गई क्योंकि घर में ऐसे ही बोर हो रही थी, तो बच्चे वहाँ पे खेल भी रहे थे और साथ में फिर हम लोग बातें ऐसे ही कर रहे। तो बस ये था हमारा आज पूरा दिन, और शाम को मम्मी आ गए थे। तो गाइस आज हम दिल्ली जा रहे हैं और पूरे दिन लाइट नहीं थी तो मैंने वैसा कोई वीडियो नहीं बनाया है, और बस अब थोड़ी देर में निकलेंगे, हमारी गाड़ी आएगी। तो हजारीबाग का सफ़र रहा यहीं तक, अब हम चले दिल्ली। मामा चल कर। तो चलिए आगे वीडियो में बने, तब तक बाय बाय।
और गाइज ये हमने पैकिंग कर लिया है। और एक्चुअली क्या था कि कल पूरे दिन लाइट नहीं थी, तो हमने अंधेरे में मैं क्या शूट करूँ कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने नहीं किया। और लास्ट में जाते वक्त दीदी लोग आए और ये सब बस होती सर मार है तो गाइज हम स्टेशन जो है वो पहुंच चुके हैं और हमारी जो ट्रेन थी वो अभी नहीं आई है, बट आएगी थोड़ी देर में। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं ट्रेन की आने की। तो बस अब हम चले दिल्ली। तो गाइस हमारी ट्रेन आ गई थी और हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। काफ़ी कम टाइम का होता है स्टेशन में स्टॉपेज, तो इस वजह से वहाँ पे कोई वीडियो नहीं। एंड देन अब मैं ट्रेन में आ गई हूँ, अब हम पहुँच के दिल्ली आपसे बात करते हैं। और गाइस हम दिल्ली पहुँच चुके हैं और गजब की बारिश हो रही है। पूरे रास्ते हमने देखा पूरा बारिश हो रहा था और यहाँ दिल्ली में भी पूरा बारिश हो रहा है। मतलब इतना ज़्यादा बारिश था कि हम घर जाते जाते पूरे भीग गए। तो गाइस फाइनली मैं दिल्ली आ गई हूँ और अपना व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगा तो, और कमेंट करके बताएं कैसा लगा मेरा वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें इससे मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।